सब्सक्राइब करें रूप फैशन पॉइंट को और घंटी के आइकन पर क्लिक करें सिलाई की हर नई वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बनाना बताएंगे पैंट नुमा पजामा, किस प्रकार आप पैंट की फिटिंग जैसा पजामा बना सकते हैं। दोस्तों पैंट जैसी फिटिंग का पजामा बनाने के लिए आपको जरूरत होगी यहाँ पर 2 मीटर कपड़े की। हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है और 2 मीटर कपड़े के साथ साथ आपको जरूरत होगी यहाँ पर स्केल की। जैसे हम यहाँ पर स्केल लिए, छोटी स्केल निशान लगाने के लिए, एक बड़ी स्केल है हमारी, और एक लिए हमने यहाँ पर शेप फट्टी। यहाँ पे शेप फट्टी थोड़ी राउंड होती है, जैसे कि हमारी सीधी फट्टी ये वाली है, शेप फट्टी में यहाँ पर थोड़ी सी राउंड होती है, इसलिए यहाँ पर उसको शेप फट्टी बोलते हैं। तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करके हम आपको उसमें आपको पजामे कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए पजामे कटिंग करते हैं। तो पैदल पजामे कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम कपड़े को बिछा लेंगे। अपना कपड़ा हमने इस तरीके से खोला, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े को पूरे को इसमें इस तरीके से खोल देंगे और कपड़े को खोलकर उसको एक साइड से सिंगली, ये हमारा सिंगल कपड़ा है हमारा, और सिंगल कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया पूरे कपड़े को, 2 मीटर कपड़े को ऊपर से लेकर नीचे तक, शुरू से आखिर तक इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। कहीं पर भी इसमें झोल वगैरह या कहीं पे चुनेट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। पूरे कपड़े को प्लेन कर देंगे हम। ये देखिए हमने अपने पूरे कपड़े को सिर्फ प्लेन करके आपके आगे बिछा दिया है। अब कपड़ा बिछाने के बाद हम यहाँ पर आपको उसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग में आपको उसमें निशान लगाना बताएंगे। आपका साइज चाहे जो भी आप हमारे वीडियो को देख अपने हर साइज के लिए पजामा बनाना सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है पजामे बनाने के लिए। सबसे पहले उसमें यहाँ पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, ताकि जो हमारा ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो कि ऊपर से कपड़ा अक्सर होता है, ये बराबर हो जाएगा। निशान इसमें यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। इस मार्क का हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ ऊपर के नीचे कपड़े को बराबर करना, तो हम कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर जो भी हमारी मेजरमेंट है, मेजरमेंट का आपको मार्किंग करना बताते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी नेफे के लिए, जैसे कि हमने नीचे टेप लिया है। यहाँ पर हमें इस निशान से नीचे रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, ऐसे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। फिर इसमें इस मार्क को भी सिलाई कर देंगे ऐसे। ऊपर का जो कपड़ा है इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, इसको हम काट देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कपड़ा क्यों रखा है। ये इस कपड़े का हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमारा दिमाग लगा उसको अपना कपड़ा सीधा करने के लिए सिर्फ मार्ग लगाया था ये। अब यहाँ पर हमारा ड्रेस कपड़ा हमने रखा है इस कपड़े में, यहाँ पर ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग कपड़ा होगा, इसको हम यहाँ पर सीधे फोल्ड करेंगे। फिर आप चाहे तो इसमें यहाँ पर नाड़ा डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इलास्टिक डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें लगा सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर इन शेप रखेंगे 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखने के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े के नीचे कपड़ा रखेंगे, मार्क इन शेप रखेंगे, और जो भी आपकी फिटिंग है, जो भी आपकी मेजरमेंट है, जो भी आपकी लंबाई, आप लंबाई के अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी लंबाई है पजामे की 37 इंच, हम यहाँ पर 37 इंच पर मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी पजामे की लंबाई कम या ज्यादा है, आप यहाँ पर अपनी लंबाई को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे 36 इंच हो, चाहे 38, जो भी आप साइज हो, आपको साइज के अकॉर्डिंग लंबाई से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है क्रॉस एरिया की, आसन की। हमारा जो क्रॉस एरिया है वो हिप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हमारा हिप साइज है 36 इंच, तो 36 को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर निशान आता है हमारा चौथाई भाग 36 इंच का 9 इंच, और इसमें यहाँ पर फिर 1.5 इंच प्लस कर देंगे 1.5 इंच। तो टोटली हमारा जो क्रोच एरिया हुआ, आसन हुआ, वो 10.5 इंच हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रोच एरिया को थोड़ा बड़ा पहनना चाहते हैं, थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर आप लूजिंग 1.5 के बजाय 2 इंच दे दीजिए, और आपका साइज चाहे जो भी हो, आप यहाँ पर अपने हिप के हिप में चौथाई भाग कीजिएगा, और फिर इसमें यहाँ पर अपने अगर फिट पहनना है तो 1.5 इंच, और लूज पहनना 2 इंच लूजिंग दे दीजिए। हर साइज के लिए फॉर्मूला यही चलता है। अब इसको यहाँ पर अपने क्रोच एरिया वाले मार्क को और लेंथ वाले मार्क को टच सीधा कर देंगे इस तरीके से। हमने इसके मार्क को सीधा किया और इसी तरीके से इस मार्क को भी सीधा कर देंगे, और जैसा हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखा है, ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे रखेंगे, नीचे फोल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भी निशान लगाते हैं 2 इंच का। देखिए ये ऊपर का 2 इंच नीचे का 2 इंच और ऊपर का 2 इंच हमारा फोल्डिंग कपड़ा होगा। लेंथ हमारी टोटली यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्रोच एरिया है। इसके बाद एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे, ताकि जो हमारे यहाँ पर जो ताकि हम अपने पार्ट्स को चारों पार्ट्स को आप अटैच करेंगे तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का दबाव देते हुए मार्क को सीधा करेंगे। ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पजामे का मार्क ऐसे लगाना है, ये हमारा मार्जन होगा। अब मार्जन के बाद में हम निशान लगाएंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग।
आपका साइज चाहे जो भी आप जिस तरीके हम निशान लगाते हैं आप इसमें ऐसे निशान लगाइएगा, जैसे कि हमारा हिप साइज 36 इंच है तो 36 में यहाँ पर निशान लगाएं चौथाई भाग पर, 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच, तो 9 इंच पर इसे मार्क लगाते हैं इस तरीके से, और फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 इंच पास कर देंगे, तो टोटली ये हमारा जो एरिया हुआ ये हुआ 11 इंच हुआ। आपका साइज जो भी आप यहाँ पर उसको अपने साइज के चौथाई भाग करना, फिर इसमें आपको यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी है, ये नॉर्मल तरीका है, सभी साइज में लूजिंग 2 इंच की दी जाती है। फिर इसके बाद जितना मार्क आपने यहाँ पर लगाया 11 इंच का लूजिंग देने के बाद, इतना ही मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 11 इंच इस तरीके से, और फिर इसको मार्क में ऐसे सीधा कर देंगे। तो ये तो हमारे हिप की गोलाई का मार्क हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर निशान लगाया मैंने क्रोच एरिया की चौड़ाई का, ये लंबाई हमारी क्रोच एरिया की लंबाई का हुआ, अब यहाँ पर निशान लगाया क्रोच एरिया की चौड़ाई का, तो इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पर 1.5 इंच, ये हमारा आस्तन की लंबाई क्रोच एरिया लंबाई होगी हमारी, और ये हमारे आस्तन की क्रोच एरिया चौड़ाई होगी 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच का चौड़ाई देने के बाद अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर शेप देंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दिए ग्राउंड शेप ऐसे, ये हमारे लंबाई हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर मेजर करेंगे अपनी मोरी को, हमारी जो मोरी है वो 12 इंच है, लेकिन मोरी को यहाँ पर डायरेक्टली से ऐसे मेजर नहीं कर सकते, मोरी को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर ये पूरा एरिया चौड़ाई है हमारी, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये घेर आया है हिप के अकॉर्डिंग, और ये हमारा जो आस्तन की चौड़ाई आई है क्रोचेरी की चौड़ाई आई है, इसको नापेंगे हम, तो टोटली हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये मार्क मेजर आता है ये होगा 12.5 इंच होगा, 12.5 इंच होगा, तो 12.5 का जो हाफ होगा वो 6 इंच होगा, 6 प्लस क्वार्टर, तो 6 प्लस क्वार्टर हमारा यहाँ पर आता है और 6 प्लस क्वार्टर ये हमारा यहाँ पर आता है, तो ये हमारे पूरे एरिया की इसका हाफ हुआ। अब इसी हाफ मार्क को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, 6 प्लस क्वार्टर का मार्क हमने यहाँ पर लगाया इस तरीके से। अब ये मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर ऊपर से नीचे तक इस मार्क को सीधा कर देंगे, आप भी इस तरीके से कीजिएगा, आपका साइज चाहे जो भी हो इसी ये फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपका साइज चेंज हो जाएगा। इसको हमने आपस में सीधा कर दिया है, ये हमारा ऊपर का नेफा, ये हमारा घेर और ये हमारा मोरी, हमारी जो मोरी है वो 12 इंच है 12 इंच है जो कि नॉर्मल होती है, ये नैरो साइज है, तो नैरो साइज में यहाँ पर 12 इंच का 12 इंच का जो हाफ होता है 6 इंच होता है, तो 6 इंच में यहाँ पर 3 इंच इधर रखेंगे और 3 इंच इधर रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाया, एक निशान यहाँ पर और एक मार्क यहाँ पर, तो ये हमारी मोरी हो गई 6 इंच। अब इसके बाद बारी आती है हमारी सेफ फट्टी की, जो कि मैं सेफ फट्टी हमने आपको दिखाई थी गोलाई वाली फट्टी, इस फट्टी का हम यूज करेंगे इसकी बाकी मार्किंग करने के लिए, नीचे रखेंगे अपनी सेफ फट्टी को इस तरीके से, और ऊपर जहाँ पर हमारा जो हमारा क्रोच एरिया आता है जहाँ पर आसन आता है यहाँ पर इस मार्क को लाकर इसको टच कर देंगे इस तरीके से, सिंपली हमने यहाँ पर एक शेप ऐसे दे दी है। अब इसके बाद एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन जैसे कि हमने इसको यहाँ पर इसमें ऐसा रखा था, यहाँ पर मार्क लगाने के लिए हमें फट्टी को ऐसे घुमाना होगा, ऐसे घुमाया और फिर इसको भी यहाँ पर इसमें रखेंगे, और जहाँ पर हमारा ये क्रोच एरिया के आस्तन की जो लंबाई आती है इसमें यहाँ पर जहाँ तक मार्क लगाएंगे इसमें इस तरीके से, इससे हल्का सा 1 इंच नीचे इस तरीके से, और इसको मार्क को भी इसमें यहाँ पर इसमें सीधा ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया अपने ऊपर से एक डेढ़ नीचे, ये यहाँ पर निशान इसे लगाया क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस निशान को ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से लेकर आएंगे, तो यहाँ से आपका जो पजामा है ये थोड़ा टाइट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा पजामा टाइट ना हो इसलिए यहाँ पर इसको नीचे लेकर आते हैं, नीचे मार्क लगाते हैं। तो ये तो हमने अपने आपको पजामे की मार्किंग करनी बता दी है, उसके बाद हम यहाँ पर उसके पजामे कटिंग करेंगे। पजामे कटिंग करने के लिए इसमें यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर ये आधा इंच का यहाँ पर कपड़ा रखा है, इसमें यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच कपड़ा रखते हुए शुरू से लेकर आखिर तक में इसमें कटिंग करते हैं, जैसे हम काटते हैं आधा इंच का मार्क लगाते हुए आधा इंच का स्पेस छोड़ते हुए, यहाँ पर तो हमारा आधा इंच का स्पेस पहले छोटा हुआ है, यहाँ पर इसको यहाँ से काटना शुरू किया हमने ऐसे, यहाँ तो अपनी कटिंग की लंबाई तक। अब इसके बाद यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा हुआ है आधा इंच का, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर जहाँ पर जो हमारा मार्क है सेम मार्क के अकॉर्डिंग कट करेंगे इसको हम, ये पूरे मार्क के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर ऐसे काटते हैं, और ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी लेंथ है हमारी, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्डिंग कपड़ा। तो ये देखिए हमने अपने पजामे के फ्रंट को कट कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने फ्रंट के अकॉर्डिंग ही आपको जो बैक है बैक की कटिंग करना बताएंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमारा जो नीचे से कपड़ा बचा है, नीचे कपड़ा हम यूज करेंगे, ये कपड़ा हमारा इसी तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है,
ये खुला हिस्सा हमारा यहाँ पर आया हुआ है फ्रंट की तरह। अब इसमें यहाँ पर हम अपने फ्रंट को बैक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अच्छी तरह से कपड़ा बिछाया, कहीं पे इसमें बीच में कोई सलवट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर जो भी हमारा जो इस साइड का जो कपड़ा है, इस साइड के कपड़े को हम यहाँ पर इस साइड के कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे, यहाँ बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे इस यहाँ से लेकर नीचे तक। तो उसको हम यहाँ पर काट देते हैं बिल्कुल अपने फ्रंट की तरह, बैक को काटते हैं। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करनी होगी हमें, कुछ चेंजिंग हम आपको चेंजिंग करना बताएंगे अभी। और ये जो पजामा है, इसको पजामे को लेडीज या जेंट्स कोई भी पहन सकता है। तो ये हमने अपने पजामे एक साइड से कटिंग कर दी है बिल्कुल बराबर। अब बराबर कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर इसमें और इसकी जो चेंजिंग हमें करनी है, चेंजिंग का हमें बताते हैं आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने इस साइड से अपने पजामे बैक को पजामे के फ्रंट की तरह काटा है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो हमारा पजामे का जो आसन वाला एरिया होगा उसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा काटते हैं। यहाँ पर इसमें निशान लगाएंगे 2 इंच का, हम यहाँ पर इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच यहाँ पर, 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा हम क्यों लेते हैं अभी आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों लिया है, हमने पहले इसको हमने मार्क को सीधा कर लेते हैं। सेफ 40 से हमने यहाँ पर निशान लगाया और इसको यहाँ पर ऊपर से नीचे तक मार्क कर देंगे। ये देखिए, और अपने आसन वाले एरिए को, क्रोच एरिए वाले को भी इसमें यहाँ पर सीधा करेंगे मार्क को। ये हमारा फोल्डिंग कपड़ा है यहाँ पर, ये फोल्डिंग कपड़ा, और जिस तरह का मार्क हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस मार्क को भी ऐसे ही लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसको ऐसे ही शेप दे देंगे इसमें। ये देखिए, ये हमारा आसन हो गया है। आसन इसमें यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने फ्रंट का ये निशान लगाया था, अपनी मोहरी का, अपने लैस का मार्क लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है। हमने जिस तरह का मार्क लगाया है, मार्क के अकॉर्डिंग से कट कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैक को भी सेम ऐसे ही काट देंगे, सेम बिना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा रखे, तो आपको जो जब आप उसको बनाएंगे, जब उसको पहनेंगे, तो आपका पजामा आपको पाँव में फंस सकता है, टाइट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अपने बैक को हमेशा आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, ताकि जो भी इसकी लूजिंग वगैरह अगर है, जो लूजिंग है, जो मार्जिन है, सब कुछ इस 2 इंच में आ जाता है। इस तरीके से आपका जो भी लेग है वो शुरू से लेकर आखिर तक नहीं फंसेगा। और जो हमने यहाँ पर हिप वाले एरिया में एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा तो हमने यहाँ पर 2 इंच ले लिया था, लेकिन फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच फिर एक्स्ट्रा लिया है। ये एक्स्ट्रा हमने कपड़ा क्यों लिया है, ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो पजामा, जो कि हमारा हिप साइज होता है, हिप साइज हमारा आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे का हिस्सा थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा भारी होता है, इसलिए यहाँ पर भी इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो आपको इसमें पहनने वाले को थोड़ी आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, आपका पजामा आपको फंस सकता है। इसलिए यहाँ पर आगे एक्स्ट्रा लेने के बावजूद भी पीछे एक्स्ट्रा लेना होता है। अब इसके बाद, अब अक्सर कुछ लेडीज शिकायत करती हैं कि उनको पजामा पहनने के बाद उनको शिकायत आती है, जो जब ये पजामा पहनकर बैठती हैं, तो बैठने के बाद जो उनका पीछे का हिस्सा होता है, पीछे हिस्सा नीचे तरफ फिसक जाता है, नीचे तरफ सरक जाता है, तो उसका तरीका हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो जो भी आपका यहाँ पर ये हमारा जो आसन है, इसको हम यहाँ पर सीधा कर देते हैं ऐसे। उसको हम यहाँ पर जो आपका बैक का जो आसन है, बैक के जो क्रोच एरिया को आपको थोड़ा बड़ा रखना होता है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर 1.5 इंच। ये देखिए, हमने यहाँ पर अपने बैक के आसन को लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ पर सीधा कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एक्स्ट्रा रखने के बाद आपको कभी भी शिकायत नहीं आएगी कि आपको जो जब आप पजामे पहनती हैं या पजामे पहनते हैं, तो पजामे पहनने के बाद आपका पजामा पीछे सर नीचे की तरफ सरक जाता है, तो ये हमारा आसन हमने बड़ा कर दिया, तो अब आपको ये शिकायत कभी नहीं आएगी। अब ये मार्क करने के बाद हम यहाँ पर उसको कटिंग करते हैं इस तरीके से, जिस तरह का मार्क लगाया है बैक में, सेम मार्क के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। आप चाहे उसको अपने पजामे को हटा सकते हैं फ्रंट को। ये हमारा बैक का क्रोच एरिया आसन, और ये हमारा साइड का फिटिंग। और इसको यहाँ पर ही कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पजामे का जो फ्रंट और बैक है, इसको हम कंप्लीटली कट कर दिया। देखिए, हमने आपको इसमें अपनी पजामे फुल कटिंग बता दी, अब हम आपको इसकी स्टिंग करना बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमारी मोरी है, मोरी में यहाँ पर हम कट लगाएंगे। ये भी जो कि कपड़ा हमें फोल्ड करना है फ्रंट में भी और बैक में भी, तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं।
तो इसी सिलाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ आसन है, आसन हम यहाँ पर आसन में सिलाई लगा देते हैं अपने फ्रंट में। ये बात दोनों आसन के जो हमारे फ्रंट है फ्रंट जुड़ जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर बैक में जो आसन है बैक को जोड़ दें, इसमें यहाँ पर जो हमारे बैक है दोनों बैक जुड़ जाएंगे। यहाँ पर पहले अपने बैक में सिलाई लगा देते हैं हम, और बैक में सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे आसन जोड़ने के बाद अपने फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करेंगे। तो ये हमारा क्रोच एरिया का आसन है, यहाँ पर हमें इसे जुड़ रहा है। सिलाई को नीचे से ऊपर तक लेकर जाएंगे, यहाँ पर सिलाई को पक्का कर दें, यहाँ पर लॉक बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो आसन है यहाँ पर जुड़ गया है, ये हमारा बैक है, इसको हमें अटैच कर दिया। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगानी होगी, क्योंकि सिलाई हमारी अक्सर ये कमज़ोर पड़ जाती है, जिसको हम पहनते हैं तो ये अक्सर सिलाई फट जाती है, इसलिए यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, ताकि आप पहनने के बाद आपका कपड़ा आपको धोखा ना दे। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर इसी तरीके से एक सिलाई और लगा देते हैं, डबल सिलाई इसको हम बोलते हैं। अभी हमारे जो पजामे के जो बैक है मजबूती के साथ आपस में अटैच हो गए हैं डबल सिलाई लगने के बाद, अब बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, सिलाई हमारी बिल्कुल नहीं टूटेगी। अब इसको यहाँ पर इसके बाद में अब जो हमारा फ्रंट है फ्रंट को भी यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। देखिए हमने अपने फ्रंट को भी ऐसे आपस में अटैच कर दिया है। ये हमारे पजामे का फ्रंट है जो कि आपस में जोड़ा है हमने, और ये हमारे पजामे का बैक है। अब हम अपने बैक के ऊपर अपने फ्रंट को रखेंगे, जैसे कि ये हमारा बैक है, बैक को हमने इसमें ऐसे बिछाया, ऐसे उल्टे कपड़े को जहाँ पर जॉइंट है जॉइंट को नीचे रखा है, और इसको इसके ऊपर अपने फ्रंट को रखेंगे। आसन जोड़ने के बाद इस तरीके से सीधा कपड़ा हमें एक के ऊपर एक रखना है, और उल्टा कपड़ा बाहर रखना है जो कि रॉन्ग साइड होती है, और रॉन्ग साइड उस पर रखने के बाद अब साइड से हम यहाँ पर अपने पजामे के साइड को उसको सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारे पजामे का फ्रंट और बैक आपस में अटैच हो जाए। हम यहाँ पर ऊपर से जहाँ पर हमें नेफा वाली साइड से उसको यूज़ कर जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, यहाँ पर सिलाई मजबूत की लॉक लगाया, उसको ऊपर से नीचे तक सिलाई को ऐसे ही लेकर जाएंगे। जिस तरह की हमारी शेप है, जिस तरह का हमारा मार्क है, मार्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक इसमें सिलाई लगाते हैं हम। बहुत ही आसान होता है पजामा बनाना और कटिंग करना, इसको आप बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं हमारी इस वीडियो को देखकर। हमने यहाँ पर अपने पजामे के एक साइड से इसको फ्रंट और बैक को जोड़ दिया है, जॉइंट हो गया हमारा पूरा पीस ये, देखिए इस तरीके से। अभी जोड़ने के बाद इसको हम यहाँ पर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, इसको इसके ऊपर रखा और फिर इसको यहाँ पर सिलाई लगा जोड़ देते हैं। और ये देखिए हमने अपने फ्रंट और बैक को चारों तरफ से अटैच कर दिया है, ये हमारा पूरा जो फ्रंट और बैक है इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पे एक राउंड बन गया है अटैच होने के बाद। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी मोहरी है अपनी मोहरी को फोल्ड करेंगे नीचे से, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है जो कि आपस में अटैच है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने आपको एक कट्स लगा कर बताए थे लंबाई के अकॉर्डिंग कट लगा बताए थे, इस कपड़े को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पूरा कपड़ा हमें इस तरीके से यहाँ पर से फोल्ड करना है, पहले इसको हम यहाँ पर सिंगल फोल्ड करते हैं अपनी लंबाई तक जहाँ तक हमारी लंबाई है, फिर इसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे, ऐसे पहले सिंगल फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हैं और फिर इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। हम आपको इसमें एक मोरी बताएंगे, दूसरी मोरी को आप सेम तरीके से दूसरे पाउचे को आप सेम तरीके से ऐसे ही मोड़ सकते हैं। ये अपनी पजामे की लंबाई तक हमने अपने पौचे को मोरी को मोड़ दिया है। देखिए
हमारी मोरी इस तरीके से कंप्लीटली मुड़ गई। अब इसके बाद हम दूसरी मोरी को ऐसे ही मोड़ लेते हैं। और देखिए हमने अपनी दोनों मोरी को यहाँ पर इसमें इस तरीके से फोल्ड कर दिया। मोरी फोल्ड करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर जो हमारा जो ऊपर खुला हिस्सा है इसको खुले हिस्से को यहाँ पर साइड से बंद करेंगे, साइड लगाकर यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा पूरा पजामा इस तरीके से थोड़ा अनकम्प्लीट है, हम आपको उसको कम्प्लीट करना बताते हैं। यहाँ से हमारी मोरी का फ्रंट और बैक है इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और उसको यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। हमारी मोरी थी 12 इंच, 12 इंच, तो 12 इंच का हाफ होगा 6 इंच, तो 6 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, कहीं थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं आता। इसमें जो भी आपको कम ज़्यादा होगा वो कपड़ा कवर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर 12 का हाफ 6 इंच हमने यहाँ निशान लगा दिया है और मार्क को लगाकर उसको यहाँ पर मार्क को अब सिलाई यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरीके से और अपने आसन तक मेरे क्रोची से सिलाई को लगाकर हम कंप्लीट कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे पाँव शेप पर भी, दूसरे पाँव पर भी ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर हमारा दबाव करीब 1 इंच आता है, लेकिन जिससे हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर अपने दबाव को कम कर देंगे हम। ऊपर हम यहाँ पर करीब 1/2 इंच का दबाव रखेंगे, नीचे 1 इंच का दबाव है और ऊपर 1/2 इंच का दबाव कर देंगे। और जो हमारा ऊपर से जो आसन है, आसन के जो जॉइंट है हमारे फ्रंट और बैक के, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा आसन का जॉइंट है, फ्रंट का जॉइंट और बैक का जॉइंट, इसको हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, बिल्कुल मिलाकर, कहीं से भी तिरछा नहीं होना चाहिए। ये हम आपको उसको सीधा करके बताएंगे किस प्रकार हमारे आसन के जॉइंट आए हैं। तो यहाँ पर हमने अपने आसन जॉइंट को बराबर रखा हुआ है और यहाँ पर लगा हम सिलाई को पूरा कर देंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे ताकि यहाँ से सिलाई टूटे नहीं, क्योंकि यहाँ से भी सिलाई हमारी अक्सर निकल जाती है, अक्सर सिलाई फट जाती है अक्सर हमारे यहाँ पर। सिलाई लगाने के बाद नीचे धागा काट देंगे और इस प्रकार हमारा जो एक पाउचा है, ये पाउचा हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है बिल्कुल। हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा बंद कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने दूसरे पाउचे को, दूसरी मोहरी को भी ऐसे ही बंद करेंगे और उसको मोहरी को बंद कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हमने अपनी मोरी की दूसरी सिलाई भी ऐसे कंप्लीट कर दी है, मोड़ दी, सिलाई अटैच कर दिए। अब इसके बाद हम आपको इसको में यहाँ पर उसको सीधा कर बताएंगे पजामे को किस प्रकार पजामे को लुकाया है। अभी हमारा पजामा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आपको उसको अनकम्प्लीट इसको सीधा कर दिखाते हैं। ये हमारा एक पाउचा हुआ और ये हमारा दूसरा पाउचा हुआ। ये देखिए ये हमारा पजामा इस तरीके से सीधा करके आपके आगे रख दिया है। और ये हमारे जॉइंट थे नीचे आसन के जो जॉइंट थे, हमारे आसन के जॉइंट में आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल एक लाइन हमारे आसन के जॉइंट आए हैं, कहीं से भी तिरछे नहीं हुए हैं। इस तरीके से हमारा पजामे का जो नीचे का एरिया पूरा कम्प्लीटली तैयार हो गया है नीचे का। अब इसको हम यहाँ पर ऊपर से आपको तैयार करना बताएंगे। ऊपर से जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, इसको मोड़ेंगे ताकि आप यहाँ पर इलास्टिक या नाड़ा वगैरह डाल सकें। वैसे हम यहाँ पर इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे नाड़े वाला, अब हम आपको इलास्टिक वाला फिर कभी आगे बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी वीडियो में इलास्टिक के बारे में बताया था। हम यहाँ पर अब आपको यहाँ पर इसमें नाड़ी तरफ फोल्ड करना बताते हैं। इसको जितना कपड़ा है 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर इसमें से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फोल्ड करके इसको यहाँ पर नीचे से मोड़ देंगे। पहले चाहे आप यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कीजिए सिंगल, इसको हम यहाँ पर 1/2 इंच सिंगल फोल्ड करते हैं इस तरीके से और फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब बाकी का जो हमारे यहाँ पर जो कपड़ा बचा है 1/2 इंच कपड़ा बचा है, इस पूरे 1/2 इंच कपड़े को हमें इस तरीके से ऐसे मोड़ना है। ऐसे इसको मोड़ा और यहाँ पर हम करीब स्पेस रखेंगे नाड़े के लिए, यहाँ पर हम करीब 1/2 इंच का स्पेस रखेंगे इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर हमने स्पेस रखा और इसमें यहाँ पर सिलाई को हम यहाँ पर सिलाई इसे यहाँ शुरू करना है, इसको राउंड में घुमाते हुए सिलाई को लाकर यहाँ पर पूरा कर देना है। ये हमारा यहाँ पर खुला हिस्सा बचेगा नाड़े के लिए, तो इसको हम यहाँ पर सिलाई को शुरू करते हैं इस तरीके से यहाँ से। अब हमें नेफे को नॉर्मली फोल्ड कर देंगे, पूरे 2 इंच कपड़े को सिंगल फोल्ड किया फिर डबल फोल्ड किया और ये हमारा नाड़ा जो है नेफा जो है फोल्ड हो गया। तो यहाँ पर आकर हमारी सिलाई पूरी हो गई, यहाँ पर हमने इस सिलाई को मजबूत कर दिया, ये हमारा नेफा भी कम्प्लीटली फोल्ड हो गया है, मुड़ गया है।
और यहाँ पर ये हमारा होल बन गया है नाड़े के लिए, यहाँ पर हम नाड़ा डाल सकते हैं। और उसके ये होल बनने के बाद हमारा जो पजामा है ब्लू कम्प्लीटली तैयार हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर नॉर्मली इसमें आप नॉर्मली नाड़ा डाल लीजिएगा। अगर आपको नाड़ा डालना नहीं आता तो आप हम इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नाड़ा बनाना उसको नाड़ा डालना बता देंगे। और ये पजामा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे पजामे को लाइक और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको उसमें कुछ भी सीखने कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो जानकारियाँ समय समय प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू, वेलकम अगेन।